फैंसी मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो, जो कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप अपनी साड़ियों का कलेक्शन शेयर कीजिए। तो ऑलरेडी मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे एक अपना साड़ी का कलेक्शन शेयर किया, जिसमें मैंने अपनी सारी चीपेस्ट साड़ियाँ, जितनी मतलब सस्ती और जितनी ज्यादा अफोर्डेबल साड़ियाँ थी उनका कलेक्शन मैंने शेयर किया था। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सारी हैवी साड़ीज का कलेक्शन, जो कि मेरी शादी से लेकर अभी तक का जितना भी कलेक्शन है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना है मत भूलिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साइड से यू कैन सी मैं कवर्ड के सामने ही खड़ी हो गई हूँ आपके सामने, और एक एक करके मैं आपको सारी साड़ियाँ दिखाऊंगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देती हूँ मैं आपको ये साड़ी। ये है प्लेन सिल्क की साड़ी, एक कॉटन सिल्क होता है उस टाइप की साड़ी है ये। आई डोंट नो, मुझे फैब्रिक के नेम के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा मतलब मुझे नहीं पता है किस फैब्रिक को क्या बोलते हैं, बट ये सिल्क टाइप का फैब्रिक है, थोड़ा पेपर सिल्क होता है उस टाइप का फैब्रिक है ये, और काफी अच्छी साड़ी है। ये साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी मेरी भाभी ने। इस टाइप का इसमें नेट लगा हुआ है, थोड़ा सा पार्टीशन है ये, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लगा हुआ, ज्यादा नहीं है। बस ये नीचे साइड में जो हमारा साड़ी का नीचे वाला फ्लेयर होता है सिर्फ उतने में ये लगा हुआ है, और ये पहनने पे काफी फूली फूली सी होती है, तो मैं इसको थोड़ा कम पहनती हूँ, क्योंकि इसको पहनने के लिए आपको आयरन करना पड़ेगा। पहनने के बाद प्लीट को आप अपने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करो, देन इसके बाद हम इसे पहन सकते हैं। और ये है गाइस मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाली साड़ी, एज यू कैन सी गाइस ये है वाइन शेड की साड़ी, और ये है प्योर बनारसी साड़ी। कम से कम इसमें 3 से 3 किलो के आसपास का वेट है, इसमें उठाने में भी मेरा हाथ दर्द हो रहा है। गाइस मैंने अभी तक किसी एक बार भी नहीं पहना, मेरा बहुत मन है इसे पहनने का, और मैं जल्दी बहुत ही जल्दी इसका एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगी इस साड़ी को, मतलब अपनी ओल्ड बनारसी साड़ी को कैसे एक न्यू लुक में क्रिएट कर सकते हो, ये इस चीज का वीडियो बहुत जल्दी आएगा इस पे। ये भी कुछ इस तरीके की साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, और आप मेरे ऊपर देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये, बहुत पुरानी साड़ी है, मेरी मम्मी के शादी की साड़ी है ये। देन नेक्स्ट साड़ी है ये जॉर्जेट की, आप देख रहे हो इसका बॉर्डर कितना अच्छा बॉर्डर है इसका। गाइस ये मुझे साड़ी इतनी ज्यादा पसंद है, इसका ये जो कलर है जॉर्जेट का ये कलर बहुत अच्छा लगता है। इसमें अलग से ये नीचे डबल प्रिंट में ये जो है ये वाला कलर जो है महावरी कलर बोलते हैं इसे, रानी कलर बोलते हैं पिंक कलर, और ये कलर मुझे थोड़ा इसके साथ कंट्रास्ट जमता नहीं है, तो मैं बहुत कम इसे पहनती हूँ, बट सच में गाइस इसका बॉर्डर मुझे इतना ज्यादा पसंद है। ओह माय गुडनेस, ये है मेरी साड़ी, मेरे एंगेजमेंट की लहंगा साड़ी, जो कि मैंने अपने एंगेजमेंट में पहनी थी, और मतलब बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। इसको मैंने इसके बाद अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे भी पहना था, बहुत अच्छी साड़ी है। आई डोंट नो मम्मी ने कितने की परचेज करी थी ये मेरे एंगेजमेंट के लिए, मुझे पता नहीं है, बट ये लहंगा साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका जो पल्ला है आप देख सकते हो, ये इसका पल्लू है, ये इसका जो नीचे का जो हमारा साड़ी का पोर्शन होता है ये लहंगा टाइप में पूरा है, ये वैसा है, और बाकी पूरा गोल्डन कलर में है, बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी। देन है गाइस ये मेरे पास मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी मेरी, जो कि मेरी शादी की चढ़ावे की साड़ी है। इसमें मैंने एक लुक भी क्रिएट किया था, आपने देखा हो तो ठीक है, आई बटन में मैं लिंक इसका दे दूंगी। देन आफ्टर गाइज ये है मेरी साड़ी, जो कि मैंने पहना था एक हिना खान का मैंने एक रिक्रिएट किया था लुक जिसमें मैंने इसे पहना था, और गाइज बहुत अच्छी लगती है साड़ी, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका, और ये भी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी मेरी शादी पे। अब ये है नेक्स्ट साड़ी, जो कि इस तरीके की साड़ी है, इसमें नीचे साइड नेट है, ये ब्रोचेस लगे हुए हैं, ये ब्लैक रेड कलर की पूरी साड़ी है, और ये इसका पल्लू है, पल्ला इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसका पल्ला है वो इस तरीके का है, बहुत ब्यूटीफुल पल्ला है। इसको मैंने फर्स्ट करवा चौथ पे अपने पहना। मैं हमेशा गाइस इन सबको जो भी ये साड़ियां हैं इन सबको इस तरीके के जो पॉलीपैक्स होते हैं साड़ी के जो बैग्स आते हैं सेपरेट ये सारी साड़ियां मैं सेपरेट करके ही रखती हूँ, इन्हें ज्यादा टेक केयर की जरूरत होती है, इस वजह से मैं इन्हें सेपरेट पॉलीपैक्स में रखती हूँ, और इस तरीके से टांग के बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। ये मैंने आपके लिए टांगा है, इजी होगा, जल्दी होगा आपको दिखा पाना सारी चीजें, इसलिए। गाइस मेरी एक ये ब्यूटीफुल सी साड़ी जो की बहुत ही अच्छी है, ब्लू कलर की साड़ी है, इसमें जो दो साड़ियां होती हैं जैसे कि हाफ हाफ जो साड़ियां होती हैं उस टाइप की ये साड़ी है, ये रेड है और नीचे इसमें ब्लू है, ये रेड जो है ये इसका पल्लू साइड है और ब्लू इसका नीचे का साइड है, जो हमारा साड़ी में आता है ये ब्लू आता है, और इसका पल्ला भी काफी खूबसूरत है, मतलब प्लेन है, रेड में प्लेन है,
और ये हमारा ब्लू में इस तरीके का वर्क हो रखा है जो कि हमारा आता है साड़ी पे नीचे साइड। और मेरी एक बहुत ही अच्छी साड़ी है, इसका ब्लाउज भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसका बॉर्डर देख रहे हो कितना हैवी बॉर्डर है इसका। ये कम्प्लीटली नेट की साड़ी और हाफ साड़ी वाली जो पैटर्न चला था ये उसी टाइप की साड़ी है। आप देख रहे हो ये रेड कलर का, इसमें हाफ पोर्शन रेड में है और हाफ इसमें नेट में है और ये बॉर्डर है। इस तरीके की साड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये साड़ी है मेरी बहुत अच्छी, बहुत हल्की, मतलब पहनने में इतनी लाइट वेटेड है ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पहना ही। ऐसी लाइट वेट साड़ी है ये, सिल्क की वो भी, और मतलब काफी अच्छी लगती है पहनने पे, काफी एलिगेंट लगती है। ये भी मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। देन मेरे पास है ये शिफॉन की हैवी साड़ी, हैवी बॉर्डर वाली साड़ी है। एज यू कैन सी ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी एंगेजमेंट पे, गोद भर आई थे, और काफी ब्यूटीफुल लगती है। ये भी टू शेड्स में है, एज यू कैन सी ये इसका पल्ला साइड है और ये इसका नीचे का पोर्शन साइड है इस तरीके का, और ये बॉर्डर इसमें लगा हुआ है काफी हैवी। देन है ये मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी, बहुत जल्दी मैं इस पे एक लुक लेके आऊंगी। और आप देख सकते हो कितनी हैवी साड़ी है ये, ये पूरा वर्क हो रखा है, कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ये शिल्पा शेट्टी की जो साड़ियां आती है डिजाइन करी हुई उस टाइप की साड़ी है ये, और इस तरीके का बॉर्डर इसमें लगा हुआ है बहुत ब्यूटीफुल सा, और ऑरेंज कलर इसका इतना सुंदर कलर है और मतलब बढ़िया आ रहा है। मुझे पता नहीं आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है बट इसका ये जो कलर है बहुत सुंदर है, और इसका जो पल्लू है वो ये ऑरेंज कलर में ही है और इसका जो नीचे का पोर्शन है वो नेट। देन है मेरे पास ये पिंक कलर की साड़ी, ये ऑल ओवर ऐसी ही सिल्क की साड़ी है, बहुत अच्छी लगती है। इसको भी मैंने एक बार अपने एक लुक में पहना हुआ था, कुछ फोटोज भी है इसकी मेरे पास। और ये है सिल्क की साड़ी, ये जो मैंने बल्क में मंगवाई थी, प्योर सिल्क की साड़ियां सूरत से मंगवाई थी मैंने, बहुत सारी साड़ियां मंगाई थी, 28-30 साड़ियां एक साथ मंगाई थी मैंने, तो उसके साथ मैंने ये भी मंगाया था। ये भी बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत ही कम्फर्टेबली वेयर हो जाती है। एंड देन मेरे पास है ये नेट की साड़ी जिसमें कम्प्लीटली वर्क है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और ये भी काफी अच्छी लगती है साड़ी, ऑल ओवर एक ही कलर की है। और ये है मेरी चढ़ावे की साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी, इसको तो मैं मतलब मुझे इतनी ज्यादा पसंद है बट मैं इसको काफी हैवी लुक लाइकर काफी हैवी लगती है तो इसको मैं काफी कम पहनती हूँ। इसका बॉर्डर ये पूरी चुनरी टाइप की है, ये नीचे साइड इसमें ब्लू है और इसका पल्ला जो है पूरा चुनरी टाइप का है और बहुत अच्छा लगता है ये। एंड देन है मेरे पास ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी, ऑर्गेंजा साड़ी जिसका मैंने एक लुक क्रिएट किया था और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड देन है मेरे पास ये नेट की साड़ी जिसमें ये कंप्लीट वर्क हो रखा है, ये कंप्लीट वर्क नीचे के साइड में है जो हमारा साड़ी का पोर्शन आता है, और इसका जो पल्लू साइड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पल्लू साइड ये सिल्क का है, इस तरीके का सिल्क का पल्लू का साइड है और इसमें ये बॉर्डर लगा हुआ है। ये मैंने अपनी फर्स्ट दिवाली में पहना था। और ये है मेरे पास एक लाइक्रा की साड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। इसमें इस तरीके का वर्क हो रखा है, नीचे साइड थोड़ा अलग सा वर्क है, ये पूरा लाइक्रा फैब्रिक है। फिर ये है मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि मेरी मम्मी की साड़ी है, और मैं अभी गई थी गोरखपुर तो मैंने ये ले आई थी मम्मी से मांगे के और ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, देख रहे हो ये नेट का फैब्रिक है और ये इसमें बॉर्डर लगा हुआ है और इस तरीके का, और इसमें ये इस टाइप के ना पैचेस बने हुए हैं पूरे में, इस टाइप के छोटे छोटे पैचेस पूरे में बने हुए हैं, और ये अपर साइड का एरिया है, ये अपर पे आता है, ये हमारा पूरा पल्लू पे आता है एरिया, और ये हमारा पूरा नीचे का एरिया। और इसको मैं लहंगा के तरीके से यदि पहनती हूँ तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा। एंड देन है मेरे पास ये साड़ी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर वाली थिक बॉर्डर की साड़ी है ये, और देख सकते हो आप कितनी सुंदर साड़ी है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत हैवी है इस वजह से मैं बहुत कम पहनती हूँ इसे, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका भी कोई ना कोई लुक आएगा यदि आप रिक्वेस्ट करोगे तो। ये इस तरीके की साड़ी है, इसका बहुत सॉफ्ट नेट है, ये नीचे पूरा नेट है और ये इसमें पल्लू साइड में ये रेड कलर का पल्लू है जिसपे की ये थिक बॉर्डर लगा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और आप रिक्वेस्ट करते हो तो जरूर इस पे भी कोई ना कोई लुक जरूर आएगा। एंड देन ये है मेरे पास सिल्क की साड़ी, जैसा कि आपके बाप ने एक रेड देखी थी उसी तरीके की ये सिल्क की भी साड़ी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। इसको भी मैंने तीज की पूजा में एक बार पहना हुआ था। एंड देन मेरे पास ये है एक पिंक कलर की साड़ी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी, सिस्टर इन लॉ ने, और ये पिंक कलर की साड़ी है सिल्क की, ये भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत कम्फर्टेबल है पहनने में, बस इसको आयरन करना पड़ता है थोड़ा सा। और इसके बाद ये है मेरी एक और मेरे बल्क वाली साड़ियों में से एक साड़ी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका,
और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये ऑल ओवर पूरी सेम एक जैसी ही है। और ये है मेरी ब्लैक कलर की साड़ी जो मैंने किसी ऑनलाइन स्टोर से मंगाई थी, और इसका भी लुक मैंने धोती लुक क्रिएट किया हुआ था, आई बटन पे आपको इसका मिल जाएगा। सो गाइज, ये थी मेरी सारी साड़ियां जो कि हैवी साड़ियां हैं और शादी से अभी तक मेरे पास है और मैंने काफी कम पहनी है क्योंकि हैवी है गाइज, ऑल टाइम हम हैवी साड़ियां नहीं पहन सकते। और मतलब काफी फेवरेट साड़ियां है, काफी अच्छे अच्छे कलर से जो मुझे एक्चुअल में पसंद है सारे। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर साड़ी से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर योर लव, बाय बाय, टेक केयर।